हुजूर, बाहर सब लोग आपके इंतजार में है। रात सर्द है, इसलिए आग भी रोशन है। आप आग ताप लेते तो बेहतर होता। हाय, क्या दुनिया की आग इश्क की आग से ज्यादा तपिश रखती है? चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, अंदर हुजरे शरीफ में आप कुछ गुनगुना रहे थे, हमें भी वही कलाम सुनाइए ना। अरबाज, वो कलाम भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है। वही हमें भी सुनाइए ना। राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते, ते तू उत्ते भोकण तू बंद मोल न हुंदे, जार वड़ी ते सुत्ते, ते तू उत्ते खसम अपने दा दर ना छड़ दे, भावे वजन जुते भुले शाह कोई रक्त दिहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते, ते तू उत्ते। बहुत खूब सरकार, इन अशार के मानी पर कुछ रोशनी डालिए ना, ताकि मतलब हमारे भी समझ में आ जाए। वैसे भी ये कलाम बज़बाने पंजाबी है, आप खुलासा कर देते तो बेहतर होता। अली मियां, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कुत्तों को रातों में सोते हुए देखा है? हजरत, बहुत कम। अली भाई, कुत्ते अक्सर रातों को नहायत ही कम सोते हैं। कुत्ते दिन में सुस्त और रात में चुस्त हुआ करते हैं, इसमें भी परवरदिगार की हिकमत पोशीदा है। सुभान अल्लाह। बगौर देखा जाए तो हर जानदार में कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें हुआ करती हैं। तमाम इंसानों को चाहिए कि वो जिस किसी से हो अच्छी आदतों को सीख ले और बुरी सिफात को जाने दे। तौकीर? जी हुजूर। इसी तरह परवरदिगार ने कुत्ते में 10 अच्छी आदतें पैदा की हैं। अगर वो आदतें किसी इंसान में पैदा हो जाए और मुर्शिद की नजर करम भी उस मुरीद पर हो तो उसे विलायत हासिल करने में आसानी हो जाती है। हजरत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह, जो के बिलावास्ता मौला अली करामुल्लाह वजहों के मुरीद वो खलीफा हैं, आप फरमाते हैं कि परवरदिगार ने कुत्ते में 10 अच्छी अलामतें रख छोड़ी हैं। 10 अलामतों में से पहली अलामत यह है कि कुत्ता भूखा रहता है मगर शिकायत नहीं करता, जो के सालेहीन का तरीका है। हमें भी चाहिए कि अगर परवरदिगार खिलाएं तो खाएं और भूखा रखें तो भूखा रहें, मगर किसी हाल में शिकायत ना करें। हजरत,
दूसरी निशानी क्या है? दूसरी अलामत यह है कि कुत्ता अपना कोई मुस्तकिल घर नहीं बनाता, यानी उसके रहने की कोई फिक्स और मुस्तकिल जगह नहीं होती। ये निशानी मुतवक्किलीन की है, यानी अपने पालनहार पर मुकम्मल भरोसा करने वालों की है। ये इसलिए कि शब्बीर शाह, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सराय है, जहाँ कुछ मुद्दत के लिए हम ठहरे हुए हैं। तुम्हें तो मालूम है कि सराय किसी का अबदी मकान नहीं होता। एक ना एक दिन मुसाफिर को इस सराय से चले ही जाना होता है। हजरत, तीसरी अलामत क्या है? तीसरी एक अहम आदत कुत्ते में ये होती है कि कुत्ता रात को बहुत कम सोता है। ये अपने परवरदिगार से इश्क और मोहब्बत करने वालों की खासियत है। अरबाज, तुमने किताब हिकायत औलिया में पढ़ा ही होगा कि औलिया कराम अपनी रातें परवरदिगार की इबादत में ही गुजार देते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी जाग जाग कर अपने परवरदिगार को राजी करें। जी हुजूर। और हजरत, चौथी खसलत? चौथी खसलत ये होती है कि कुत्ता जब मरता है तो अपने पीछे कोई जायदाद नहीं छोड़ता। ये सिफत जाहिदों की होती है। पांचवी निशानी ये है कि कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता, जो कि पक्के और सच्चे मुरीदों की सिफात है। तमाम मुरीदों को चाहिए कि अव्वल वो अल्लाह और रसूल का फरमाबरदार रहें और परवरदिगार की मोहब्बत में हमेशा सरशार रहें और अपने पीर का वफादार रहें। कामकाज से फारिग हो जाने के बाद जो वक्त बचे उसमें से ज़्यादा वक्त अपने पीर की सोहबत में गुजारें और उनसे अच्छी आदतों को सीखें। बेशक। सोहबत का ये फ़ायदा बहुत कीमती है कि मुरीद जितनी देर अपने पीर की सोहबत में रहता है, दुनिया व माफिया से दूर सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार के जिक्र और तसव्वुर में रहता है। बेशक हजरत। इस काम के करने से मुरीद का कल्ब मुर्शिद की सोहबत में कम ही गाफिल रहता है, बल्कि जारी रहता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुर्शिद का पॉजिटिव औरा उसे छह अतराफ से घेर लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुत्तों में छठी आदत यह होती है कि कुत्ता का मर्तबा वाली जगह पर भी राजी हो जाता है। ये निशानी हर हाल में सब्र करने वालों की है। बेशक। तुम सभी ने कुरान पाक में पढ़ा ही होगा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, परवरदिगार हमारा साथी हो, इससे बेहतर तो कुछ हो भी नहीं सकता। सातवीं सिफत यह है कि जब कोई उसके मकान पर कब्जा कर लेता है तो वो उसे छोड़ देता है। ये आदत अपने परवरदिगार से राजी रहने वालों की है, लिहाजा हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि अपनी चीज़ों के गुम हो जाने पर वावेला मचाने से बेहतर है कि सब्र से काम ले। बहुत खूब। अली, आठवीं अलामत यह है कि अगर मालिक उसको मारे और वापस बुलाए तो कुत्ता लौट आता है। ये सिफत खुशु और खुशु करने वालों की है। तौकीर नवी निशानी है कि जब मालिक खाना खा रहा होता है तो कुत्ता दूर ही बैठा रहता है। ये मिस्कीनों की अलामत में से है। हजरत, दसवीं अलामत क्या है? दसवीं निशानी ये है कि
कुत्ता जब किसी मकान से चला जाता है फिर दोबारा लौट कर नहीं आता, ये उनकी सिफत है जिनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो गई हो। सुभान अल्लाह। हजरत, अब मेरी समझ में आया कि इन आशार में किस कदर गहराई को आसानी से बयान किया गया है। बुल्ले शाह कोई रक्त दिहा जले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। हाँ अहमद भाई, हमको चाहिए कि रातों को जागकर अपने परवरदिगार को राजी करें। हमारे प्यारे नबी भी रातों को जागकर इबादत किया करते थे, हत्ता के आपके पैरों पर वर्म आ जाता था। इसलिए हमें भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए रातों को जागकर अपने परवरदिगार के चेहरे के दीदार की तलब में इबादत करना चाहिए। सरकार, चेहरे के दीदार की तलब में? बिल्कुल, चेहरे के दीदार की तलब में। सूरह अल कैफ में परवरदिगार ने हमारे आका सलातो व सलाम से फरमाया, अपने आप को उनके साथ रखा करो जो अपने परवरदिगार को सुबह व शाम पुकारते हैं और उसी के चेहरे के दीदार का इरादा रखते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने फरमाया कि उन पर से तुम्हारी निगाहें न हटने पाएं, यानी जो लोग परवरदिगार के दीदार की तमन्ना अपने दिल में रखते हैं और इबादत करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी नज़र में रखने का परवरदिगार ने अपने नबी को हुक्म दिया है। मालूम हुआ कि कयामत तक जितने भी लोग परवरदिगार के दीदार की तलब में इबादत और कोशिशें करेंगे उन सब पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत रहेगी। बेशक, क्योंकि कुरान का हर फरमान कयामत तक के लिए है। औलिया कराम का भी हमेशा ही से दस्तूर रहा है कि वो रातों में अपने परवरदिगार की इबादत से गफलत नहीं करते, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं, इससे रियाकारी से बचने में आसानी हो जाती है। कुछ लोग रातों को नमाजें पढ़ते हैं, कोई जिक्र जबानी करता है, कोई जिक्र कल्बी, कोई जिक्र रूही, कुछ बंदे जिक्र खफी करते हैं, कुछ आशिक जिक्र खफी उल खफी में अपनी रातें बसर फरमाते हैं। क्या बात है। जिसका जैसा शगल वो ऐसा करता है। तुम सभी ने हदीस की किताबों में पढ़ा ही होगा कि रात के तीसरे पहर परवरदिगार का अर्श जमीन के करीब होता है और परवरदिगार अपने बंदों से फरमाता है, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, वगैरह वगैरह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसा ही कुछ भारतीय मजाहिब में भी है कि वो रात के तीसरे हिस्से को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं और उसके बेशुमार फवायद भी ऋषि मुनि बतला गए हैं। यानी ये तय है कि रात के तीसरे पहर इबादत करने वाला अनगिनत फायदे पाता है। कुछ लोग रातों में अपने परवरदिगार के किसी भी सिफत इनाम का जिक्र अपने वेद में रखते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जब तक जिक्र होता रहता है तब तक जबान गिबत बदगोई और फजूल बातों के करने से रुकी रहती हैं। तुम लोगों को अपने मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक तरीका अपनाकर अपनी रात परवरदिगार की याद में ही गुजारना चाहिए। सरकार, रातों को मुराकबा भी तो किया जा सकता है। हाँ अरबाज, ज्यादातर औलिया कराम ने मुराकबा में ही
अपनी रातें बसर की हैं। रात को जागकर दीदार की तलब में की जाने वाली सबसे आसान और असरदार इबादतों में मराकबा भी सर फहरिस्त है, जिसे भारतीय जबान में ध्यान और अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान करने से दिल को सुकून मिलता है, यकसुई यानी कंसंट्रेशन, जिसे भारतीय जबान में एकाग्रता कहते हैं, पैदा होती है। दिल पर जमी मैल धुल जाती हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी उलचिश्ती इफ्तिखारी पीर जमाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मराकबा करने पर कल्ब यानी हृदय से रोशनी की किरणें फूटती हैं। जब उस रोशनी की किरणें जहन पर पड़ती हैं तो इंसान में रोशन जमीरी आती है। बहुत खूब सरकार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शऊर बेदार हो जाता है और दुनियावी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मन के घोड़े को लगाम लग जाती है, फिर वो इधर उधर नहीं भागता, एक खूंटे से बंधा रहता है। दौरान मराकबा इंसान अपने ख्यालात को एक पॉइंट पर फिक्स रखता है, जिससे दिल में पैदा होने वाले तमाम बुरे ख्यालात ख़त्म हो जाते हैं। इंसान को ऐसी कैफियत या तो नींद में मिलती है या ध्यान में यानी मराकबे में, समझे साबिर? जी सरकार। हुजूर, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कभी मुराकबा किया है? आमीन भाई, ऐसे कुछ शवायद ज़रूर मिलते हैं। क्या तुम में से किसी ने गार हिरा का नाम सुना है? जी ज़रूर। तौकीर, ऐलान नबुवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप कई कई दिन तक गार हिरा में इबादत करने के लिए तशरीफ ले जाते और अपने परवरदिगार की इबादत करते, जिसे शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी शहबाज ला मकानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब में उस इबादत का नाम तहन्नुस तहरीर फरमाया है। हुजूर, तहन्नुस? हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी सी गिजा साथ लेकर शहर से मिलो दूर गार हिरा में कयाम फरमा कर इबादत में मशगूल रहा करते, जब गिजा ख़त्म हो जाती तो लौट आते। देखा जाए तो सदियों से ही आबादी से दूर तन्हाई में बैठ जाने को तरजीह दी गई, यानी मराकबा की मदद से हक को समझने और खुदा की बनाई हुई सृष्टि यानी कायनात में गौर व फिक्र करने का चलन आम था, क्योंकि गौर व फिक्र करना इंसानी फितरत में शामिल है। हर दौर का इंसान इस ख्याल में रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ आने से पहले मैं कहाँ था और यहाँ से लौटकर कहाँ जाना है। तो इस दुनिया से दिल हटाकर तन्हाई में बैठ जाना मुनासिब समझा गया और एक ख्याल में बेख्याल होकर इंसान ने खुदा के राजों को जाना और समझा। बाद में इस अमल को बाज़ाब्ता मराकबा, ध्यान और मेडिटेशन कहा गया।